हमारे जैन मुनि की जो निर्मल हत्या हुई है ये बहुत दुखदायी एक तरह से और अंदर तक झंझोड़ने वाली है। बहुत दुख की बात है, बस साजिश है ये एक, ये समाज के लिए सबके लिए कलंक वाली बात है और न्याय मिलना चाहिए। जैन समाज को खत्म करने के लिए ये साजिश की जा रही है। आज हमारे जैन संत पर आई है तो हिंदू संतों पे भी आ सकती है, हिंदू संत का भी तो संकट है। इसने नहीं किया, उसने किया, तुमने क्या किया? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां एक विशाल प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन किसी मांग या किसी पॉलिटिकल पार्टी एजेंडे को लेकर नहीं है, ये एक न्याय की गुहार है जो कि कर्नाटक में जैन मुनि की जो निर्मम हत्या की गई है, शव जो बताया जा रहा है कि 9 टुकड़ों में मिला है, इसी को लेकर सरकार से एक न्याय की गुहार लगाई जा रही है और इसी को लेकर यहाँ पर जैन समाज के तमाम लोग मौजूद हैं। साफ तौर पर ये बहुत दुखद घटना है, इस बात को लेकर इनमें कितना आक्रोश है ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम सुशीला जैन, मैं द्वारका से आई हूँ, रत्नात्रेय मंदिर से। ये जो हमारे जैन मुनि की जो निर्मल हत्या हुई है ये बहुत दुखदायी एक तरह से और अंदर तक झंझोड़ने वाली है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसने इसके अंदर एक सरकार जो है जरा सा भी कहीं पे भी कोई भी रोष होता है, किसी को हत्या हो जाती है, किसी बच्चे की होती है, किसी लड़की की होती है, तो एक मीडिया बार 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 दिखाती है टीवी पे, ये एक बार भी नहीं आया। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से, ये अमित शाह हैं, मोदी हैं, इनसे हम ये अपील करते हैं कि ये हमारा जो जैन समाज का जो इतना घात पहुंचा है तो इसके लिए उसको बराबर का उसको एक मुनि की जो कि बहुत शांति का उपदेश देते हैं, ऐसे मुनि की हत्या, निर्मम हत्या करने के पीछे लोगों का क्या मंतव्य हो सकता है? हाँ, मतलब यही है कि उन्होंने साजिश है ये एक। जी मैं मीनू जैन द्वारका से। ये समाज के लिए सबके लिए कलंक वाली बात है और न्याय मिलना चाहिए और उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, बस यही चाहते हैं। साधु को मार कर किसी को क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन ये साजिश पाप मिल सकता है। हाँ, पाप पाप मिल सकता है। क्या बताएगा ये तो मारने वाला, वो मारने वाला है, उसको क्या मकसद है और कैसे, किसने उसको प्रेरित किया, वो बात है। इसमें सच बात तो ये कि वो तो जो अज्ञान होगा किसकी प्रेरणा कैसे किया? मेन पॉइंट है किसकी प्रेरणा से ये काम हुआ कि वो इस हद तक पहुंचा कि जैन मुनि की हत्या, जो किसी चींटी को भी नहीं मारते, एक इंद्रिय जीव को भी नहीं मारते, करंट लगा लगा के मुनि को करंट लगा लगा के मारा है और उसके बाद उठा के चार जने बाहर ले गए, टुकड़े कर करके बॉयलर में डाल दिया अंदर। ये तो बहुत एक दुख की बात है। न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने जांच किया और पुलिस ने कहा कि जो मुनि थे वो लोगों को पैसे क्या लेन देन करते थे, तो कुछ संदिग्ध लोगों को पैसे दे दिया था वापसी के मामले वालों ने दिए, महाराज जी ने नहीं। हाँ। ये तो लोगों ने उनके आरोप लगाया है। पैसे रखते ही नहीं अपने पास, वो उसको देने की बात ही नहीं होती है, वो तो उसके पास तो एक पीछे है और कमांडर है, और कुछ नहीं होता उनके पास। वो तो हम अगर कमरे के अंदर बैठे हैं, हम अगर उनको ये नहीं बोलेंगे महाराज जी आहार के लिए चलो, तो वो वहीं पे समाधि ले लेंगे, बस ये नहीं होता। जैन समाज को खत्म करने के लिए ये साजिश की जा रही है। आज एक साधु गए, साजिश कौन कर रहा है, साजिश कौन और भी जाएगा, देखो की साजिश हो सकती है। इसमें माना जाता है कि सरकार की साजिश हो सकती है, अगर कर्नाटक सरकार चाहती तो इस पे कर सकती थी कार्य, लेकिन उन्होंने वहाँ से कुछ करा ही नहीं, जभी तो हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, जभी तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। नहीं, हम कहते हैं ये साजिश ही है सरकार। लगभग 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं बताया, कोई मीडिया, मीडिया की बोल रहा हूँ, मीडिया ने तो कुछ बताया ही नहीं था। क्या ये क्या बात है? और जो दूसरा सड़क एक होता है वो मोदी जाएंगे, अपने प्रधानमंत्री विदेश से पाछे आए तो पाछा जाएगा ना, क्यों कहाँ जाएगा? तो वो आप जोर जोर से बताते हैं, तो ये क्यों नहीं बताते? ये चीज़ जो है समाज के लिए एक आईना है। हमें दुख है, प्रधानमंत्री को इस बारे में दो शब्द टीवी के ऊपर आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। एक ये जैन समाज के लिए बहुत दुख की बात है।
बहुत दुख की बात है, बस यही कहेंगे न्याय मिलना चाहिए। किसी ने कंडेम नहीं किया कि भाई ये हुआ है तो क्या क्या करें। और ये सीबीआई बीबीआई तो सब ठीक है, वो तो एक तो बोले गया फास्ट ट्रैक, कौन सी फास्ट ट्रैक होती है, ट्रैक तो कितनी है, वो कभी भी इसमें उलझन जाएगा। हमने मिलकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है, कोई उत्तर आया उस पे? हाँ? सरकार ने कोई उत्तर दिया कुछ प्रतिक्रिया? अभी अभी तो दे रहे हैं, फिर से यहाँ से विज्ञापन जा रहा है, अभी अभी देखेंगे, नहीं करेंगे तो हम भी बोलेंगे, हम आपके पास ही आएंगे, वहाँ से हम भी बोलेंगे। ऐसे जो पॉलिटिक्स वाले बोलते हैं इसने नहीं किया उसने किया, तुमने क्या किया, हम तो ये बता रहे हैं, ये सब एक आदमी का नहीं है, ये सब समाज का है, अपने भारत देश के लोगों का है कि भाई हम अपने साधु संतों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। साधु संत हम नहीं, बस एक जैन मुनि की बात नहीं करते हैं, सब साधु संत की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर भारत को कहा जाता है ऋषि मुनियों का देश है, हाँ? उसी ऋषि मुनियों के देश में ही ऋषि मुनियों की ऐसी निर्मम हत्या होती है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर सिर्फ इतना ही कहना, आज हमारे जैन संत पर आई है तो हिंदू संतों पे भी आ सकती है, हिंदू संत का भी तो संकट है। या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, या तो अगर वो नहीं चाहते कोई भी साजिश, मतलब उन लोगों ने कोई साजिश नहीं की है या कोई चीज़ उनकी तरफ से नहीं हुई है, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से हमारा ये निवेदन है, अगर वो जैन समाज को नहीं ख़त्म करना चाहते तो उनका फ़र्ज बनता है कि वो इस पर कार्रवाई करें और सख्त से सख्त निर्णय लिया जाए, जिससे जैन संत ही नहीं बाकी हिंदू धर्म के संत भी सुरक्षित हो सकें। हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है और हम कुछ नहीं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, आपने साफ तौर पर देखा कैसे यहाँ पर लोगों में आक्रोश है, यहाँ तक कि सबका यही कहना है कि ऋषि मुनि जो है, भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, और इसी जगह पर इसी ऋषि मुनियों के देश में जो है ऋषि मुनि की जो निर्मम हत्या होती है, टुकड़ों में शव मिलता है, तो ये बेशक शर्मनाक बात है, बेहद दुखद बात है, और आक्रोश आना जनता में तो बनता है, क्योंकि जो संत शांति के उपदेश देते हैं, जो एक कीड़े मकोड़े तक की मारने तक की सोचते नहीं है, और शांति के उपदेश फैलाने के लिए अपना जीवन जो है वो एकदम से त्याग देते हैं, और रूखी सोखी खाकर बहुत ही कष्टदायी जीवन बिताते हैं लोगों के हित में, वैसे साधु संतों की अगर हत्या होने लगे तो फिर शर्मनाक बात तो है ही। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी जनहित आवाज़।